दान क्या है? दान करना क्यों आवश्यक है? दान क्या है? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? क्या दान जैसी सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? इसी विषय पर हम इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दे, दान शब्द सुनते ही धनदान स्मरण होता है, लेकिन दान तो केवल धन तक सीमित नहीं है। अभयदान, अन्नदान, विद्यादान, श्रमदान, कन्यादान इत्यादि दान ही है। ये दान अलग अलग संदर्भ में है। आता हम यहाँ केवल दान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि केवल दान समझ लिया तो अन्य दान भी समझ आ जाएंगे। और साथ ही इस समाज में दान जैसी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इस पर भी इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे। दान क्या है? दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। अब क्या देना चाहिए स्पष्ट है। जो कुछ भी आपका या आपके अधीन हो, तन मन धन अन्न गौ विद्या शब्द, ये सब आपके अधीन है अथवा ये सब आपका है। आता इन्हीं को जब आप देते हैं तो अमुकमुक दान कहा जाता है। लेकिन ध्यान दे, दान अर्थात केवल देना होता है। यदि लेना देना हुआ तो व्यापार हो जाएगा, फिर वह दान नहीं होगा। अपने कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा काम किया है वैसे ही तुम मेरा काम कर दो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं इसलिए ये काम करना होगा, नहीं करोगे तो तुम अभी निकलो यहाँ से। तो व्यापार भी स्वार्थ ही है, जिसमें दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं। आता केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और बुरे शब्दों में स्वार्थ है। दान व्यवस्था। दान रूपी व्यवस्था पर हमारे वेदों में कहा गया, तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्ली एकादशोनुवाकः, एक श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, हरिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम्, अर्थात श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करो तो फल मिलेगा। महाभारत शांति पर्व 26.28 में कहा गया, लब्धस्य त्यागमित्यार्हन भोगम न च संचयम्, अर्थात जो धन प्राप्त हो उसका भोग या संग्रह करने से दान करना अच्छा है। फिर महाभारत अनुशासन पर्व 93.12 में कहा गया, दानं ददत् पवित्रस्यात्, अर्थात दान देते रहने से अपवित्र पवित्र हो जाता है। आता हमारे भारतीय ग्रंथों में दान का इतना महत्व बताया गया कि दान देते रहो इससे अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अस्तु, तो दान रूपी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? इसे समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि यदि दान व्यवस्था नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? इसलिए कोई यदि कोई दान नहीं करेगा तो समाज केवल व्यापार अथवा स्वार्थ पर ही टिका रहेगा। फिर तो कोई बिना काम के, स्वार्थ के, मतलब के बात तक भी नहीं करना पसंद करेगा। समाज में दरिद्रता, कुपोषण, अशिक्षा आदि अपनी चरम सीमा पर होंगे, क्योंकि कोई किसी को धन का दान नहीं देगा तो समाज में दरिद्रता बढ़ेगी, अन्न नहीं देगा तो समाज में कुपोषण बढ़ेगा, शिक्षा नहीं देगा तो समाज में अशिक्षा बढ़ेगी, यहाँ तक कि मीठे शब्द का भी दान नहीं करेगा तो द्वेष से भरा समाज हो जाएगा। यदि शिक्षा का दान न किया जाए तो क्या होगा? तब तो फिर बड़े बड़े लोग ही केवल अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे और शिक्षा देने वाला भी पहले पैसे लेगा और फिर ये भी कहेगा कि तुम्हारा लड़का भविष्य में जितना कमाएगा उसमें मेरा भी कुछ प्रतिशत भाग होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं पढ़ता तो ये इतना कैसे कमा पता। आज जो भारत में अथवा विश्व में शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसाय कर दिया गया है कि अमुक वाहन चालक का, अमुक मजदूर का बच्चा आईएएस हो गया है, यह अखबारों में सुर्खियां बनती है। यह कितनी हास्यास्पद बात है।
जबकि एक समाज में ये सामान्य बात होनी चाहिए कि सबको पढ़ने का अधिकार हो। गुरुकुल में अमुक वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते थे, यह आरोप पूरी तरह से सत्य नहीं है। उदाहरण निषाद राज और श्री राम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अस्तु पूर्व कल में गुरुकुल हुआ करते हैं और उस गुरुकुल को चलने का उत्तरदायित्व समाज को दिया जाता था, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रहा तो अशिक्षा से समाज में अपराध बढ़ता है। अज्ञानता से ही तो गलती होती है, वही गलती बहुत बड़ी हो तो अपराध कहा जाएगा। यहाँ ज्ञान का मतलब विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है जो आजकल पढ़ाया जाता है। आईएएस से लेकर वैज्ञानिक तक अपराध करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते। अस्तु पूर्व काल में समाज का उत्तरदायित्व था कि शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए और जो जितना समर्थ हो एवं योग्य हो उतना ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। अयोग्य के हाथ में बड़ी शिक्षा लग जाए तो वह समाज का ब्राह्मण रावण की तरह विनाश कर सकता है। आज के परिपेक्ष में बड़े बड़े घोटाले करने वाले भी बड़े बुद्धि वाले होते हैं, बैंकों में सामान्य ज्ञान वाला घोटाला नहीं कर सकता। यदि धन का दान न किया जाए तो क्या होगा? अस्तु हमने केवल विद्या दान पर ही संक्षेप में चर्चा की और यह पता चला कि यदि विद्या का दान नहीं किया जाए तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप अन्य दान को भी समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी लोग धन के दान पर कुछ जानना चाहेंगे कि यदि धन का दान नहीं किया जाए तो क्या होगा? उत्तर है समाज का सत्यानाश। देशभक्त लोग एक बात कहते हैं कि देश को जोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, देश तोड़ने के लिए कई देश करोड़ों रुपए दे देंगे, क्योंकि उसमें उन देशों का लाभ है। ऐसे ही भक्त लोग कहा करते हैं कि भगवान के निमित्त, संतों के निमित्त अथवा धर्म के निमित्त दान करो, क्योंकि समाज में इनके विपरीत बहुत धन है। जैसे फुहार गाने, मूवी आदि का विस्तार बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य का मन माया से बना है, इसलिए ये माया की ओर स्वाभाविक आकर्षित होता है। आता जिस ओर अधिकांश व्यक्तियों के मन का लगाव हो एवं वही धन का निवेश करे तो अधिक लाभ होगा, लेकिन इसी के विपरीत मन को लगाना हो तो संभव नहीं है। मूवी आलीशान होटले में भोजन करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं और भगवान, संत, मंदिर एवं गरीब के लिए छुट्टे ढूंढने लग जाते हैं। अस्तु तो समाज में कुछ अच्छा होता रहे, समाज अच्छे से चलता रहे, इसके लिए धन दान देना आवश्यक होता है। समाज में बुराई फैलाने के लिए अनेकों लोग धन लगा देंगे, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। अच्छा करने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, आप स्वयं ही सोचिए। तो दान रूपी व्यवस्था समाज के लिए अनिवार्य है, समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, जिससे समाज में बुराई अधिक नहीं फैले। श्री राम के पिता राजा दशरथ को बड़े वर्षों के बाद पुत्र लाभ मिला। अविवाहितन वजवन पुत्र को वो विश्वामित्र के संग जंगल में भेज दिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो फिर असुरों का साम्राज्य और अधिक बढ़ता। और सबसे बड़ी बात, आज जो कुछ हम हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं वह जगतगुरु शंकराचार्य के वजह से है। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे तब उनकी माँ ने संन्यास लेने की अनुमति दी थी। यदि वह माँ धर्म के लिए बेटे का दान नहीं देती तो आज भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि विलुप्त होते। आथा दान व्यवस्था समाज में अति आवश्यक और अनिवार्य है।